जय श्री राम। आज हम दशमांश कुंडली की सीरीज का दूसरा वीडियो आज आपके सामने लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दशमांश कुंडली के ऐसे कौन से तीन मुख्य तत्व हैं जो दशमांश कुंडली को देखने से पहले जरूर देखने चाहिए। यानी लोग वह क्या करते हैं, दशमांश कुंडली ली, उसके अंदर डायरेक्ट उठा के दशा को देखना शुरू कर दिया कि ये ऐसा देगा, ये वैसा फल देगा। लेकिन जैसे हम लगन कुंडली की स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, लगन देखते हैं, लग्नेश को देखते हैं, नवांश कुंडली में लगन लग्नेश देखते हैं, सप्तम सप्तमेश देखते हैं, शुक्र ग्रह को देखते हैं, ऐसे ही हम दशमांश कुंडली के तीन मुख्य तत्व हैं जिनको देखना अनिवार्य है। कि हम किसी के हॉरोस्कोप को देखेंगे भी इसका लगन लग्नेश बली है, ये व्यक्ति बली है। बली है तो अवश्य ही इसमें इतनी क्षमता तो है कि अपने बल पे जीवन में कुछ कर लेगा। या इसका चंद्रमा बली है तो इसकी मानसिकता बली है, इसका चंद्र बली नहीं है तो इसकी मानसिकता क्षीण है, इसका लगन लग्नेश कमजोर है तो ये जीवन में बहुत स्ट्रगल करेगा। हेल्थ वाइज भी, प्रोफेशनली भी, जो भी चीज़ मिलेगी वो प्रॉब्लम से मिलेगी, क्योंकि लगन प्रधान है लगन कुंडली का। नवांश कुंडली में भी ऐसे ही लगन लग्नेश और सप्तम सप्तमेश प्रधान है, और इसी तरीके से दशमांश कुंडली के भी तीन मुख्य तत्व होते हैं, जिसका सबसे पहला तत्व है लग्न और लग्नेश। लग्न किसी भी वर्ग कुंडली का लग्न उसकी इच्छा और इच्छा पूर्ति को दर्शाने वाला माना जाता है। कि आप बहुत साधारण तौर पर बता सकते हैं कि जब ये व्यक्ति जीवन में काम करने के लिए आगे चलेगा तो ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और उस काम को करने के लिए कितने हद तक सीरियस है, क्या ये आलसी किस्म का है, क्या ये चतुर है, क्या ये काम के लिए सीरियस है, क्या ये वाकई अपने कर्म से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, तो ये लगन और लग्नेश दिखाता है। शास्त्र के अनुसार एक बली लग्न यानी लग्नेश लगन में बैठ जाए, लग्नेश लगन को देख ले, या लग्नेश ही केंद्र त्रिकोण में उच्च या स्वराशि का हो तो ये एक बली लगन कहलाता है। बलि लगन कार्य करने की इच्छा, इच्छा पूर्ति, खुद के बल पर जीवन में आगे बढ़ने को दर्शाता है। इसके विपरीत लगन का मतलब है कि ये कर्मों का लगन है। आप जीवन में जितने भी कर्म कर रहे हो ना, उस कर्मों का लेखा जोखा उस लगन से आता है। कि वो बताएगा कि लगन लग्नेश शुभ है तो कर्म शुभ हैं, लगन लग्नेश पीड़ित हैं तो कर्म अशुभ हैं। यानी आपके कर्मों की प्रकृति, आपके कर्मों की प्रवृत्ति लगन और लग्नेश से निर्धारित होगी, क्योंकि ये दशमांश का लगन है। इसे आपके कर्मों के लिए और इसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में किए गए कर्मों के लिए भी देखा जाता है। इसलिए ये लगन और लग्नेश दशमांश कुंडली का पहला मुख्य तत्व है। ये बली होना अनिवार्य है अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और आप अपने काम से हटते हैं, आप काम चोर हैं, आप काम दूसरों पे टालते हैं, आप लापरवाह हैं, आपकी इच्छा तो बहुत बड़ी है लेकिन आप करते कुछ नहीं हैं, तो ये एक बली लगन की निशानी नहीं है, ये निर्बल लगन है, और अंततः ऐसे व्यक्ति फेल हो जाते हैं। तो पहला मुख्य तत्व लगन दशमांश कुंडली का। दूसरा मुख्य तत्व होता है दशम। दशम भाव जिसमें से हम लगन कुंडली का दशम भाव हमारे कर्मों को दर्शा रहा है। हम रोजमर्रा की जीवन में कोई काम कर रहे हैं, हम इवन सांस भी ले रहे हैं तो वो भी 10th हाउस है। हम अपने कार्य क्षेत्र के लिए जो भी वर्क कर रहे हैं उनसे जुड़ी हुई चीजें, आजीविका, नौकरी, व्यापार, इन सब की स्थितियों को हम लगन कुंडली के दशम भाव में देख लेते हैं। लेकिन इसका कन्फर्मेशन, इसकी गहराई और इसके अन्य तत्व की बारीकी हम दशमांश कुंडली के दशम भाव से देखेंगे। कि भाई लगन आपकी दशमांश कुंडली का कोई भी है लेकिन 10वें भाव में बैठी हुई राशि इस बात को रिप्रेजेंट कर देती है कि आपके कर्म की प्रवृत्ति उस राशि से जुड़ी हुई होगी, जिसको हम कहते हैं आजीविका का प्रकार। कि अगर दशम भाव बृहस्पति की राशि से ग्रहित है तो ऐसा व्यक्ति बृहस्पति से संबंधित काम करेगा, जैसे पूजा पाठ, वेद वेदांग, अध्ययन अध्यापन, टीचिंग, बैंकिंग का सेक्टर, फाइनेंस का सेक्टर, मैनेजमेंट का सेक्टर,
धर्म धार्मिक शिक्षण संस्थानों से संबंधित चीजें जुड़ी हुई, किसी चीज का मैनेजमेंट संभालना, ये बृहस्पति की क्वालिटी है। अगर वो शुक्र से संबंधित है तो सौंदर्य प्रसाधन, श्रृंगार, एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग ऐसे क्षेत्रों में जाता है। बुध से संबंधित है तो व्यापार, वाणिज्य, कैलकुलेशन, गणित, बोलचाल। मंगल से संबंधित है तो इंजीनियरिंग का फील्ड, प्रॉपर्टी का फील्ड या मशीनरी टूल्स का फील्ड, क्योंकि मंगल इंजीनियर है, या डॉक्टर से संबंधित फील्ड होना। शनि का प्रभाव अगर दशम भाव पे ज़्यादा आ रहा है तो हम जैसे वकालत का क्षेत्र हुआ, हम व्यापारी हो गए, हम भूमि से संबंधित काम कर रहे हैं, हम जमीन से उगने वाले उत्पाद का काम कर रहे हैं, हम खनन से संबंधित काम है, पेट्रोलियम है, फूल है, सब्जी है, या मिनरल्स हैं, या पेट्रोल है, या कोई काले रंग की वस्तु है, ऐसी चीज़ों से संबंधित काम हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए एक बलि दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र को ऊपर उठाने में सक्षम है, कि दशम भाव अगर बलि है, दशम भाव का स्वामी उसमें बैठा है या देखता है, या दशम भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में या धन भावों में उच्च या स्वराशि का हो रहा है, तो ये बलि दशम भाव की स्थिति है। और अगर ये बलि है तो आपको यश भी मिलेगा, मान सम्मान प्रसिद्धि मिलेगी, आपकी पहचान बढ़ेगी, आप अपने खुद के बल पर अपनी पहचान बनाएंगे, कि भाई जिन लोगों के पास अपनी दशमांश कुंडली है उठा के देखो कि उनके 10th हाउस में कौन सी राशि है और उनका 10th लॉर्ड कैसा है, और फिर वो आज अपनी पोजिशन को देखो कि अगर वो हायर पोस्ट पे हैं तो उनके कार्य क्षेत्र का स्तर उनके दशम भाव और उसका स्वामी दर्शाएगा। लेकिन अगर वही भाव पीड़ित हो रहा है तो वो लोग अपने जीवन में कार्य क्षेत्र को लेकर स्ट्रगल ही करते रहते हैं। इसलिए सामान्य तौर पर कहा जाता है कि भी दशम भाव को भी जरूर देखें। तीसरी बहुत मुख्य चीज़ है, काल पुरुष के 10वें घर की राशि कहलाती है मकर राशि, और ये मकर राशि बहुत ज़्यादा जरूरी है दशमांश कुंडली की। जैसे हम नवांश कुंडली में तुला राशि को देखते थे कि 7 नंबर की राशि कहाँ है, या शुक्र को देखते थे क्योंकि शुक्र तुला का मालिक है, इसीलिए हम दशमांश कुंडली में क्या देखेंगे, सबसे पहले मकर राशि को देखेंगे और शनि को भी देखेंगे, क्योंकि शनि कर्मों के कारक हैं। शनि डिसाइड करेंगे कि ये नौकरी में जा रहा है या ये व्यापार में जा रहा है, इससे पता लग जाता है। वैसे बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, नौकरी और व्यापार को अकेला एक बहुत आसान तथ्य तो है नहीं, लेकिन सबसे पहले ये देखो कि मकर राशि दशमांश कुंडली में कहाँ पर स्थित है। मकर राशि काल पुरुष के 10वें घर का राशि है, इस पर पड़ने वाला प्रभाव भी आपके कार्य क्षेत्र की प्रकृति को डिसाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मकर राशि में मंगल उच्च का होकर बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति हिम्मत होगा, जोशीला होगा, साहसी होगा, कुछ अहंकारी भी होगा, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला होगा। यहाँ पर शनि जो है वो स्वराशि के हो जाते हैं, यानी फिर से ये मकर राशि को बलि कर देते हैं, यानी कार्य करने की क्षमता भी है, इच्छा भी है, आगे बढ़ना भी चाहता है और आगे बढ़ेगा भी। अगर यहाँ पर मकर राशि में गुरु नीच का हो जाता है, अगर गुरु नीच का हो तो देखिए यशमान प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है, फिर ऐसी स्थिति एक औसत स्थिति कहलाती है, कि व्यक्ति में कोई अहंकार नहीं होता लेकिन जीवन में ऊंचा उठने का प्रयास भी करता है तो भी उस लेवल तक जाता नहीं, क्योंकि मकर राशि क्या है, एक पृथ्वी तत्व की एक अर्थ त्रिकोणी राशि कहलाती है, क्योंकि 2, 6, 10 में अर्थ त्रिकोण और 2, 6, 10 के अंदर आपके पृथ्वी तत्व भी आते हैं, इसलिए इस मकर राशि के अंदर स्थिरता और गंभीरता दोनों संभालने की स्थिति है। व्यापार के गुण भी इस मकर राशि में हैं, जीवन में स्थिरता भी है। आपने कभी देखा होगा मकर को अगर हम घड़ियाल यानी मकरमक्ष से जोड़ देते हैं तो आप उसको देखिए कि अगर मकरमक्ष जमीन पर लेटा है तो वो 2, 4, 5, 7 घंटे लगातार एक ही पोजीशन में पड़ा रहता है, पानी में चला जाता है तो फिर उतने समय तक वहीं रहता है, क्योंकि उसके अंदर गहराई भी है, जलीय तत्व की क्षमता भी है और स्थिर रहने की क्षमता भी। इसलिए मकर राशि का बलि होना भी जरूरी है, कि मकर राशि में उच्च के ग्रह हों, स्वराशि के ग्रह हों, मकर राशि का जो स्वामी ग्रह है वो शनि है, क्योंकि शनि को तो हमने कहा ही है, तो वो भी बलि होना जरूरी है। इसके पीछे एक चीज और छुपी हुई है, अधिकतर मैंने एक कॉम्बिनेशन देखा है जिनकी दशमांश कुंडली के अंदर मकर राशि पीड़ित है तो ऐसे लोगों की प्रोफेशनल लाइफ अनस्टेबल होती है, स्टेबल नहीं होती, स्थिरता नहीं होती उसमें।
मकर राशि का स्वामी भी अगर पीड़ित है शनि, तो ऐसे लोग नौकरी के क्षेत्र में ही रहें, व्यापार में जाने की गलती ना करें, नहीं तो उनको लॉसेस होते हैं। तो ये तीन चीजें, तीन तत्व आंख बंद करके सबसे पहले देखनी जरूरी है, कि जैसे हम लगन कुंडली को देखते हैं ना, ऐसे हम दशमांश के अंदर जाएंगे, पहले देखेंगे लगन लग्नेश की क्या पोजीशन, दशम दशमेश की क्या पोजीशन और मकर राशि की क्या पोजीशन। जिसके ये तीनों बली हैं, अब उन लोगों को उठा के आप चार्ट में देख लो, आपको जीवन में पता लग जाएगा कि वो अपने जीवन में कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ये तीन तत्व हमारे जीवन में अवश्य देखे जाने चाहिए। अब इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको दिखाऊंगा, कि मैं एक फेमस पर्सनैलिटी की हॉरोस्कोप आपके सामने लगाऊंगा और उनके हम लगन लग्नेश दशम दशमेश और मकर को ही देखेंगे सिर्फ, इसलिए हम सीधा पहुंचेंगे दशमांश कुंडली में और वहां से देखेंगे कि भी क्यों ये व्यक्ति यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसको आइए समझते हैं, उदाहरण कुंडली से चलते हैं स्क्रीन पर। अब आपके सामने जो ये कुंडली है, ये हमारे देश की महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हॉरोस्कोप है। ठीक है, इनकी हॉरोस्कोप के बारे में बहुत सी चर्चाएं आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लेकिन मेरा जो विषय है मेरा दशमांश कुंडली को लेकर, लगन लग्नेश दशम दशम भाव दशमेश और मकर राशि पर हमारा फोकस रहेगा। हमने देखा है कि ये दशमांश कुंडली है इनकी, जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इस दशमांश कुंडली में देखें हम तो लगन कौन है, बृहस्पति का लगन है और लग्नेश सप्तम भाव में बैठ के लगन को देख रहा है। तो क्या हुआ, लगन बली हुआ। लग्नेश लगन को देखता है तो लगन बली है। तो हमारा पहला नियम यहाँ पूरा होता है कि भाई लग्नेश लगन को देख रहा है और उसको एक उच्च का प्लेनेट शनि भी देख रहा है। अब आप इनकी लाइफ स्टाइल देखना, आपको सिर्फ फोकस करना है कि इस व्यक्ति की लाइफ स्टाइल कैसी थी, ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए कैसे थे, कितने सीरियस थे, कितने एक्टिव थे, कितने अपने आप को मेंटेन रखती थी श्रीमती इंदिरा गांधी अपने कर्म कार्य क्षेत्र के लिए, आप उनकी एक्टिविटी से जान सकते हैं। हमारी तरफ से तो लगन लग्नेश बहुत बली है, जिसको लग्नेश भी देखता है और उच्च का शनि भी देखता है। ठीक है, दूसरा, अब व्यक्ति तो बली हो गया, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में क्या है कि हमने देखा बुध ग्रह है और दशम भाव राहु केतु अक्ष पे आया है, यानी इनके कार्य क्षेत्र में डिफिकल्टीज भी रही हैं, इवन इनको जेल भी जाना पड़ा था। और दशम भाव का स्वामी बुध है, वो 12वें भाव में बैठा हुआ है, लेकिन व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता क्योंकि उसका लगन बली है, उसका लगन यहाँ बली है। तो यहाँ क्या है, दशम भाव और दशमेश दोनों में पीड़ा हुई है, यानी ऐसे व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ इजी नहीं रहने वाली है, लेकिन लगन के ऊपर बहुत ज़्यादा बल है, ये अच्छी बात है। तीसरी चीज़ हमने देखी थी वो है मकर राशि। भाई मकर राशि में कौन है, मंगल है। कौन हुआ है मंगल, यहाँ उच्च का हुआ है और सेकंड हाउस में है। अब आप इनकी वाणी को देखिए, जब ये भाषण देती थी तो जैसे आज के समय में लोग बाग मोदी जी को सुनते हैं ना, एक समय में था जब इंदिरा गांधी जी को सुना जाता था, लोग बाग रुक रुक के सुनते थे कि भी आज इंदिरा गांधी क्या कह रही है। यही वो लेडी थी जिसके पास स्ट्रांग डिसीजन लेने की बड़ी क्षमता थी, कि जब आपके सेकंड हाउस में उच्च का मंगल हो तो आप स्वभाव में कुछ अहंकारी दिखते हैं, लेकिन आपके निर्णय भी परफेक्ट होते हैं और हिम्मती भी होते हैं और साहसी भी होते हैं। और इस मकर राशि का स्वामी कौन है, वो शनि है, वो भी यहाँ पे एग्जॉल्टेड है। तो ये कमाल होता है मकर राशि का, ये कमाल होता है लगन लग्नेश का, ये कमाल होता है दशम दशमेश का। तो यहाँ दशमांश कुंडली ऐसे ही नहीं है, जो लोग सिर्फ लगन कुंडली को देखकर प्रेडिक्शन करते हैं उनके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको ज्योतिष छोड़ देना चाहिए या फिर आपको कोई गुरु बनाकर अच्छा सा वर्ग कुंडलियाँ समझनी चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जो मुझे लगा था कि भी मैं आप लोगों को इसके साथ साझा करूँ, क्योंकि मेरा विषय चल रहा है D10 चार्ट। बने रहिएगा, इसी प्रकार बहुत कुछ है हमारे D10 यानी दशमांश कुंडली की सीरीज़ को लेकर। जय श्री राम।